हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी पोकेमॉन चैनल विनय का पोकेमॉन अड्डा में। और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। आपको थंबनेल में देखने मिल ही गया होगा और आपको थंबनेल में ये भी देखने मिला होगा कि आज मेरा एक फ्रेंड आ रहा है और उसकी चैनल का नाम है भाई लोग का अड्डा। तो आज मेरी और उसकी हम दोनों की कोलैब है, तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। सिल्वर इंट्रो लगा। ऐसे इंट्रो नहीं लगा अभिनय, क्योंकि तुम मेरे दोस्त शार्क को भूल गए। वो भी तो आया है भाई लोग के अड्डा के साथ। सॉरी सिल्वर, मैं शार्क को भूल गया। मेरे दोस्त शार्क बाहर आ जाओ। हाय सिल्वर, हाय विनय। विनय, आज मैं और शार्क इंट्रो लगा दे। चलो शार्क इंट्रो लगाते हैं। आपको मैं बताऊंगा और 4 और 2 हमारे मेहमान भाई लोग के अड्डा बताएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो अपनी जगह बनाता है उस पोकेमोन का नाम है ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट एक बहुत कूल पोकेमोन है। उसके डिजाइन भी बहुत अच्छे है। वो पहली बार में इंट्रोड्यूस हुआ था कांटो रीजन में और वो हमारे चैंपियन ड्रेक जो ऑरेंज लीग का चैंपियन है उसके पास भी है। और तो और उसने ऐसे के चारी चार को भी हराया है। तो आपको पता ही होगा कि अब कितना कूल है ड्रैगनाइट। और उसकी टाइपिंग है ड्रैगन फ्लाइंग। उसकी हाइट है 2.2 मीटर, उसका वेट है 2.10 किलोमीटर। उसकी एबिलिटी है इनफो और हिडन एंटीबिलिटी मल्टी स्केल। और उसकी बेस स्टैट है HP 91, अटैक 134, डिफेंस 95, अटैक 100, स्पेशल डिफेंस 100 और स्पीड 80 और टोटल होता है 600। तो गाइस, नंबर 2 की जानकारी आपको देने वाले भाई लोग के अड्डा। तो वीडियो कंटिन्यू। तो हेलो गाइस, मैं हूं भाई लोग का अड्डा और आज मैं कोलैब करने आया हूं विनय के पक्के अड्डा के चैनल पे। तो बिना वक्त गवाए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर 4 पे आता है वो है, वो कौन है? फ्लाइगॉन। तो फ्लाइगॉन हमें होन रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था, यानी जनरेशन 3 में। ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है और इसका मेगा इवॉल्व होना चाहिए था पर है नहीं। और ये हमारे होन रीजन के मे के पास रहता है, राइवल के पास, जिसका नाम है ड्रू। और ये ड्रू की बहुत मदद भी करता है होन रीजन में। और अगर इसका डिज़ाइन देखें तो ये बहुत अच्छा है। और इसकी टाइपिंग है ग्राउंड और ड्रैगन। स्पीसीज है माइस्टिक पोकेमॉन। हाइट 2.0 मीटर, वेट 82 kg। और इसकी बेस स्टैट की बात करें तो HP है 80, अटैक 100, डिफेंस 80, स्पेशल अटैक 80, स्पेशल डिफेंस 80, स्पीड 100 और टोटल मिला के 500। नंबर 3 पे हमारे लिस्ट में जो पोकेमॉन अपनी जगह बना रहा है उस पोकेमॉन का नाम है गुडरा। गुडरा बहुत ही क्यूट पोकेमॉन है और हम सबका प्यारा पोकेमॉन है। वो हमें इंट्रोड्यूस किया था कैलो सीजन में और हमारे प्यारे दोस्त एस के पास भी था, जो वो बहुत क्यूट भी था और दोनों का बॉन्ड भी अच्छा था। और उसने जो पोकेमॉन लिखने क्या कमाल किया था वो तो आपको पता ही है, धमाकेदार पोकेमॉन है वो। और वो प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। उसकी हाइट 2.0 मीटर, वेट है 150.5 किलोग्राम, एबिलिटी है सेप्सी फॉर हाइड्रेशन। और तो उसकी HP है 90, अटैक 100, डिफेंस 70, स्पेशल अटैक 110, स्पेशल डिफेंस 150, स्पीड 80, टोटल ओके होता है 600। तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे की जानकारी आपको देने वाले भाई। तो जो नंबर 2 पे पोकेमॉन है वो है सेलमेंस।
तो सेलेमेंस हमें जनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और ये हो इनका पोकेमोन है और इसकी फ्लाइगोन के साथ उतनी जमती नहीं है, इन लोग का लड़ाई होते रहता है असल में बताऊं तो ये। और सेलेमेंस के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, इसका एक मेगा एवोल्यूशन भी है जिसका नाम है मेगा सेलेमेंस और ये बहुत अच्छा दिखता है। और अगर इसकी हम लोग टाइपिंग की बात करें तो वो है ड्रैगन एंड फ्लाइंग स्पीसीज ड्रैगन, हाइट है 1.5 मीटर, वेट 102 kg और एबिलिटी इंटरमीडिएट और मॉक्सी। और इसके बेस स्टेट की बात करें तो 95, 135, 80, 110 और स्पेशल डिफेंस 80, स्पीड 100 और टोटल 600। और वहीं अगर हम मेगा सेलेमेंस की बेस स्टेट की बात करते हैं दोस्तों तो वो हैं HP 95, अटैक 145, डिफेंस 130, स्पीड सेल अटैक 120, स्पेशल डिफेंस 90, स्पीड 120 और टोटल मिला के 700। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 HP बढ़ जाता है मेगा सेलेमेंस में इवॉल्व होने के बाद। तो गाइज अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स। हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो पोकेमोन आता है आप गेस करो, उस पोकेमोन का नाम है गालचोप। गालचोप बहुत ही ताकतवर पोकेमोन है, वो तो आप सबको पता ही है और वो बहुत कूल भी लगता है। उसका डिज़ाइन तो देखो धमाकेदार। और तो और वो हमारे चैंपियन सिंथिया का भी मेन पोकेमोन है। वो हमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था सिनोलुइक में और वो सिंथिया का बहुत ही अच्छा और बेस्ट पोकेमोन है। वो आपको पता ही है खतरनाक में से खतरनाक पोकेमोन है वो, सॉरी खतरनाक में से खतरनाक। और उसके पास एक बहुत ही अच्छा मेगा इवोल्यूशन भी है मेगा गार्चॉप। तो आपको पता ही होगा क्या धमाकेदार इसका ऐसे डिज़ाइन, तो देखो क्या कूल लगता है। और वो ड्रैगन टाइप ग्राउंड टाइप है, मैक पोकेमोन है, उसके सैंड व्हील और रफ स्किन उसकी एबिलिटी है 1.9 मीटर, 95.0 किलोग्राम। उसकी HP 108, अटैक 130, डिफेंस 35, स्पेशल 80, स्पेशल 85, स्पीड 102, टोटल 600। तो बहुत ही अच्छा है पूरा इसका स्टेट्स, उसमें HP और अटैक और स्पीड बहुत तीनों बहुत अच्छे हैं। डिफेंस स्पेशल अटैक और डिफेंस चलता है। और ये मेगा गार्चॉप की उसके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है सैनफोर्स और HP 108, अटैक 170, डिफेंस 115, स्पेशल 120, 95 और स्पीड 92, टोटल 700। तो इसमें HP और अटैक ज़्यादा है। और अभी तक आपने हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बैल ऑफ कैडा की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके अभी के अभी उनको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय बाय।